प्रार्थना कौन सी करते हैं? जय जगदीश हरे करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, और भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सारी प्रार्थनाएं, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, या किसी और भाषा में हो, वो सारी प्रार्थनाएं किन्हीं और लोगों ने बनाई हुई है, हमने नहीं बनाई है, हम तो केवल उसका उच्चारण करते हैं। तो बेसिक बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक तो उस मंत्र का जो अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए पूरा, नहीं तो क्या होगा, आप मंत्र तो बोल रहे हैं जबान से लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अर्थ ही पता नहीं है, आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्थ यदि आपको पता है तो मंत्र बोलते समय उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, तब वो मंत्र काम करेगा। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो औरों ने बनाई हुई हैं, बेशक वो काम करती हैं, आप तन्मयता से उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, निश्चित रूप से फल देगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत अनोखी बात बता रहा हूं, और असल में मैंने शायद आप लोगों की उम्र के समय ही उस चीज को जानने की कोशिश की है। हुआ ये कि ओशो रजनीश ने की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक गडरिया जो है वो मतलब जंगल में भेड़ों को चरा रहा था, अनपढ़ गंवार, और आसमान की तरफ देखकर खुदा से बात करता, भगवान से बात कर रहा था। अच्छा, उसका दिमाग कितना है? भेड़ों जितना दिमाग उसका, जैसे भेड़ों के जुए निकालता था, साफ सफाई करता था, तो भगवान से जैसे ही बात करता, तू इतना दूर है, ये भेड़ तो मेरे पास हैं, तेरी जुए कौन निकालता होगा, तेरे कौन नहलाता होगा। आप देखिए बातचीत उसकी किससे हो रही है, खुदा से। उधर से एक मौलवी गुजरते, वो देखते हैं ये क्या बकवास कर रहा है, इसको तमीज ही नहीं है कि खुदा से ऐसे बात करते हैं, वो कोई भेड़ है। उन्होंने कहा, जाहिल मैं तेरे को बताता हूं कि खुदा से कैसे बात होती है और खुदा से संपर्क कैसे होता है, मैं तेरे को नमाज सिखाता हूं। उन्होंने उसको नमाज सिखाई। नमाज सिखाने के बाद में जब वो मौलवी आगे अपने रास्ते पे जाने लगे तो आकाशवाणी से खुदा ने उसको कहा, ए मौलवी तूने क्या किया, मेरे जो मेरा प्यारा भक्त है जो मेरा सीधे संपर्क में था, तूने वो संपर्क तोड़ दिया, उसको नमाज सिखा दी। मैं उसकी भाषा समझ रहा था, उसका भाव समझ रहा था, अब जो तूने उसको नमाज सिखाई है, अब मेरे पास उसकी आवाज नहीं आ रही, तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उसका। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई कुछ बात में दम है, प्रार्थना अपनी जगह है, प्रार्थना के मंत्रों का प्रभाव अपनी जगह है, निश्चित है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। हम किस भाव से उस खुदा से बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, कितनी तन्मयता से कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक सूझी, मैंने कहा जब गडरिया अपनी भाषा में बात कर सकता है तो क्या मैं भगवान से अपनी भाषा में बात नहीं कर सकता? आपकी उम्र की बात बता रहा हूं मैं। मैंने एक प्रार्थना बनाई, कोई संस्कृत में नहीं थी, हिंदी में थी, और जो मेरी मनोकामना थी वो मैंने उसमें पिरोई शब्दों में, छोटी सी, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन वो मैंने अपनी एक प्रार्थना बनाई और मैंने कहा इस प्रार्थना के जरिए मैं संपर्क में आऊंगा ईश्वर के, और आप विश्वास नहीं करेंगे वो प्रार्थना मेरी इतनी काम आई। हालांकि मैं दूसरी प्रार्थनाएं भी करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सारी चीजें करता हूँ बिल्कुल विधिवत, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मुझे सीधा संपर्क करना है ईश्वर से तो मैं अपनी प्रार्थना का उपयोग करता हूं। आप करके देखना, आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये मेरा अनुभव सिद्ध है, अनुभव किया है मैंने। आप अपनी प्रार्थना बनाएं और जब भी संकट में हो, जब भी आपको लगे कि मुझे उस परम सत्ता से कुछ हासिल करना है, उससे संपर्क में आना है, उस प्रार्थना को काम में लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा।
एक बात सिर्फ यही है कि जैसा हरिचंदानी जी कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से कुछ लेके जाना, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर इस धरती का कर्ज, तो आप जब कोई बड़े व्यवसायी बन जाएं, कोई बड़े अधिकारी बन जाएं, कहीं दूर चले जाएं, तो अजमेर के बारे में जरूर सोचना।